बिल्कुल उनको गलत फंसाया गया है, उनका नाम खराब करने के लिए किया गया है। होता तो हम इतने सालों से रह रहे हैं और तो घर वालों को देखिए क्या बीत रही है बेटी के ऊपर, इतनी भावुक है। यह कन्नौज कांड में आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव की बेटी। कन्नौज कांड को लेकर जब सवाल किया गया तो वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गई कि यूपी तक के कैमरे के सामने ही फूट पड़ी। नवाब सिंह यादव की बेटी ने रोते हुए बड़ी बातें कह दी। दरअसल कन्नौज में नाबालिग से रेप का आरोप सपा नेता नवाब सिंह यादव पर लगा। आरोपी नवाब यादव की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ राजनीति तेज हो गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में आरोपी सपा नेता के परिवार का क्या कहना है, ये जानने के लिए यूपी तक की टीम नवाब सिंह यादव के घर पहुंची और नवाब सिंह यादव की बेटी से बातचीत की। यूपी तक के सवाल पर बेटी पिता नवाब सिंह यादव के बारे में बोलते बोलते रोने लगी। पूरे गांव में किसी से भी पूछ लीजिए कि मतलब कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार या फिर गलती से कभी किसी को कुछ भी बुरा कहा हो, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और हमें पूरा विश्वास है, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे भी पता है एक लड़की की इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट होती है और क्या होता है। तो हम अगर होता तो हम इतने सालों से रह रहे हैं और तो घर वालों को देखिए क्या बीत रही है बेटी के ऊपर, इतनी भावुक है, ये तो चीज़ समझ आ रही है और हम भी इस चीज़ समझते हैं। लेकिन चूंकि एक ऐसा आरोप लगा है तो जिसकी वजह से परिवार क्या सोचता है, इसलिए हम परिवार की राय जानने के लिए आए थे। आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, मेरा 12th पास हो चुका है और अभी मेरी BSc कंप्लीट हो चुकी है। MSc का फॉर्म भरा था और हम भी उसी कॉलेज में जाते हैं, हम भी जानते हैं वो कितने अच्छे से रहते हैं और कितने अच्छे से सबसे बात करते हैं। उसी को ऐसा नहीं कि हम कहीं और पढ़े, उसी कॉलेज से पढ़ा। हाँ हम भी वहीं से पढ़ते हैं और साथ साथ में नीट की भी चंदन सिंह से। हाँ चौधरी चंदन सिंह से ही पढ़े हैं। मेरी BSc हो गई है, MSc का फॉर्म भरा था। अच्छा, तो आपके साथ वहाँ और भी लड़कियाँ पढ़ती होंगी। हाँ। तो वो लड़कियाँ कभी बात करती होंगी आपके पापा के लेकर, तो कभी कुछ ऐसा नज़र आया कि उन्होंने? कभी बात नहीं की, कभी कोई, सभी लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, सभी लोग उनको अच्छे से बात करते हैं, भैया चाचा और वो भी इनको भाई बहन और बेटी की जरा बेटी की तरह हर लड़की को माना है, कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा है। और ये इतने सालों का प्रूव है, आज से थोड़ी ना राजनीति कर रहे हैं, वो 25 सालों से कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता तो कभी तो कोई इंजाम लग के आता, नहीं लगा, इसका मतलब उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और ये बिल्कुल उनको गलत फंसाया गया है, उनका नाम खराब करने के लिए किया गया है। और जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने, वो बुआ है, उन्होंने भी बोल दिया है कि उनको फंसाया जा रहा है। और जो बहन, जो बच्ची क्या बोले, उनसे भी बात होगी और उन्होंने जो भी वो बयान दें और जो लॉ और ऑर्डर है वो न्याय करेगा, सच सामने आएगा। तो आरोपी नवाब यादव की बेटी कहती है कि पिता को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज में एक नाबालिग ने समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। मंगलवार को पीड़िता का मेडिकल हुआ जिसमें रेप की पुष्टि हुई। मजिस्ट्रेट के सामने भी पीड़िता ने अपने बयान में रेप की बात कही, जिसके बाद नवाब सिंह यादव के खिलाफ अब धाराओं को बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति लगातार तेज है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।